in between DPS and EPS. Look at it. It is a relationship in between DPS and EPS. अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि यहां पर रिटेंशन रेशियो कितनी है, रिटेंशन रेशियो, तो आप कहेंगे जी 40%. दैट इज 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो. और बेटे हम इसको बी से रिलेट कर देंगे, तो बी इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो. आप समझ रहे? चलिए इधर. तो आइए एक बार कंसेप्ट नंबर टू को लिखना शुरू कर दें. एक बार थोड़ा सा लिखेंगे. कंसेप्ट टू, डिविडेंड एंड फाइनेंस मैनेजर. बेटे ऐसे लिखना है कंसेप्ट टू में, तो डिविडेंड एंड फाइनेंस मैनेजर. डिविडेंड एंड फाइनेंस मैनेजर. For a finance manager, comma, dividend payment is a cash outflow. Higher the dividend payout, high will be cash outflow. And less will be cash retention. Aram se bete. ए पॉइंट देखिए बेटे क्या लिखा है बेटे, उसके बाद बी पॉइंट लिखना है. अगर हम डिविडेंड ज्यादा देंगे तो हमारी जेब से कैश आउटफ्लो भी ज्यादा जाएगा, एंड लेस विल बी कैश रिटेंशन. नाउ वेदर टू पे डिविडेंड और नॉट, B point में, then how much dividend is to be paid is named as dividend policy. Whether to pay dividend or not, if dividend is to be paid, then how much dividend is to be paid is named as dividend policy. आराम से बेटे, A point लिख लिया, B point लिख लिया, सी पॉइंट लिखिए. बेटे मेहनत की है, स्लाइड्स प्रिपेयर की है बेटे, आपको फायदा पहुंचे इसके लिए ऐसा काम किया मेरे बेटे, पूरी हर चीज की स्लाइड प्रिपेयर की है मेरे लाल. चलिए जी, मैंने कंसेप्ट टू तक आपको बताने की कोशिश की. एक बार मैं चाहता हूं केस कंसेप्ट थ्री एक बार लिख लें कि सपोज करते हैं कि एक कंपनी के पास 1,00,000 रुपए हैं, 1,00,000 के प्रॉफिट्स हैं, 1,00,000 के प्रॉफिट्स हैं, 1,00,000. उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक either distributed as dividend to equity shareholders or either retain this amount for the purpose of investment. Either distribute it as dividend to equity shareholders or retain this amount for the purpose of investment. Aram se bete.
दो रास्ते हैं बेटे, जैसे आप देखिए उसी ब्रांच से आ रही है चीज, इधर डिस्ट्रीब्यूट इट एज डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स और इधर रिटेन दिस अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स कैन इन्वेस्ट दिस अमाउंट, सपोज करते हैं शेयर होल्डर्स सोच रहे हैं कि अगर हमें ये डिविडेंड मिल जाए तो हम बैंक की एफडी में तो कराई देंगे और वहां से रिटर्न आ ही जाएगा 10% का। और अगर ये पैसे ना कंपनी दे और कंपनी अपने पास रख ले तो कंपनी इसको रिटेन करेगी, इसके ऊपर फ्लो बैक होगा और रिटर्न आ जाएगा 15% का। तो बताइए आपके हिसाब से कंपनी को क्या करना चाहिए? तो कंपनी को रिटेन ही कर लेना चाहिए। तो बी पॉइंट लिखिए, इन द अबव एग्जाम्पल कंपनी शुड इन्वेस्ट एज द कंपनी इज अर्निंग मोर देन शेयर होल्डर। तो बेटे सी पॉइंट, लो बेटे बहुत ही बढ़िया डी पॉइंट लिखा है कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चैप्टर कर क्यों है। एक बच्चे ने खिलखिलाकर अब हंसी दी कि उसको अब ये समझ आ गया कि ये चैप्टर किया क्यों जा रहा है। तो बेटे ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट वेदर कंपनी शुड रिटेन और शुड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। क्या कंपनी को रिटेन करना चाहिए या डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ठीक है जी, तो बेटे डी पॉइंट लिख लिया। अब मैं आपको कंसेप्ट नंबर थ्री बता चुका हूं और मैं चाहता हूं कि अभी एक दो कंसेप्ट और लिख लें तो फिर हम आगे चलेंगे। मार्केट टेस्ट रेशियोज लिखिए कंसेप्ट नंबर फोर में, वैसे ही बता रहा हूं बेटे, हमें कुछ रेशियोज का पता होना चाहिए फिर हम आगे आएंगे कि अब हमें करना क्या है। बेटे ईपीएस पहली रेशियो है, ईपीएस ये पता ही आपको, टोटल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आराम से बेटे, हायर द ईपीएस बेटर इट इज, हायर द ईपीएस बेटर इट इज। EPS can be of two types, ये बात हमें मालूम ही है accounting standards से, basic EPS and diluted EPS। Basic EPS and diluted, बेटे chapter है dividend का, मैं वैसे थोड़ी सी ratios बता रहा हूं, अभी मैं सबको प्रयोग करूंगा। C point, following is the format for calculating profits available to equity shareholders। आराम से बेटे, EBIT less interest, EBT less tax, EAT less preference dividend। बेटे हमने लिखा EBIT, earning before interest and tax, less interest, बेटे EBT आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, लेस टैक्स बेटे अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया,
बेटे लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, बेटे बैलेंस जो बचा उसको कह दिया प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बी पॉइंट नेक्स्ट है जी डिविडेंड पर शेयर। बेटे बड़ी मेहनत से बनाई है, टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हायर द डीपीएस लेस विल बी द रिटेंशन एंड मोर विल बी द कैश आउटफ्लो, हायर द डीपीएस लेस विल बी द रिटेंशन एंड मोर विल बी द कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट है जी एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन या टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एमपीएस। बेटे एमपीएस टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है जी। एफ वैसे लिखा बेटे डिविडेंड रेट का मतलब क्या होता है, किसके ऊपर निकालते हैं, तो डिविडेंड रेट मान लेते हैं फेस वैल्यू 100 रुपए की है और रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, एमपीएस 4000 रुपए की है, मान लेते हैं फेस वैल्यू 100 रुपए की है, डिविडेंड रेट 10% है, एमपीएस 4000 रुपए है, व्हाट इज डीपीएस, तो बेटे डीपीएस कैसे निकलता है, 10% ऑफ 100 रुपए, हमेशा डिविडेंड का जो रेट है फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, तो 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 रुपीज, 10 रुपीज, डिविडेंड यील्ड। वैसे एक तो रेशियो और लिख लीजिए, डिविडेंड यील्ड का मतलब है रिटर्न, डिविडेंड का रिटर्न कितना परसेंट है, मतलब डिविडेंड की रिलेशनशिप एमपीएस के साथ कि हमने कितने पैसे लगाए इस शेयर को खरीदने में और उसके बदले में डिविडेंड कितना मिला, उसके बदले में डिविडेंड कितना मिला, तो बेटे रिलेशनशिप ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस। तो 20/200 डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100 इज इक्वल टू 10%। लिखा बेटे, तो बेटे रेट आ गया 10%, 10%, 10%, 10% रेट ऑफ डिविडेंड। चलिए जी डिविडेंड इज इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड मार्केट प्राइस इज डिपेंडेंट फैक्टर। नेक्स्ट है जी अर्निंग यील्ड रेशियो, फॉर्मूला लिखिए अर्निंग यील्ड रेशियो ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100, द रिलेशनशिप ऑफ ईपीएस एंड एमपीएस इनटू 100 इज अर्निंग यील्ड रेशियो। वैसे बेटे ये रेशियोस मैंने बता दिए हैं, अभी हम आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो शायद यूज हो सकती है,
अर्निंग यील्ड रेशियो, ईपीएस जो है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है बेटे, और जो डीपीएस है वो डिपेंडेंट फैक्टर है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, इट इज रिलेशनशिप ऑफ डीपीएस एंड ईपीएस। डिविडेंड पे आउट रेशियो, इट इज रिलेशनशिप ऑफ डीपीएस एंड एमपीएस। हाउ मच ईपीएस इज बीइंग पेड टू शेयर होल्डर्स। बेटे मान लेते हैं ईपीएस 6 रुपए का, गलती से नीचे आ गया बेटे, ईपीएस 10 रुपए का है, गलती से लिखा नहीं हुआ, ईपीएस मानिए 10 रुपए, जिसमें से डीपीएस 4 का है और रिटेन अर्निंग 6 की है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% हो गया। डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% हो गया, ईपीएस मान लेते हैं 10 रुपए का है और डीपीएस 4 रुपए है, तो बेटे डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%, रिटेंशन रेशियो 60%, ठीक है जी, आराम से देख लीजिए। अब रिटेंशन रेशियो को मैंने बी से रिलेट कर दिया, हम डिविडेंड पॉलिसीज में डिसीजंस में रिटेंशन रेशियो को बी से रिलेट करेंगे, तो अर्निंग का फॉर्मूला क्या होगा, रिटेन अर्निंग पर शेयर अपॉन टोटल अर्निंग पर शेयर। रिटेन अर्निंग पर शेयर, रिटेन अर्निंग पर शेयर बी आ गया बेटे, ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन ईपीएस। आराम से लिख लीजिए भाई, बेटा खत्म हो गया। बेटे लास्ट पॉइंट लिखना है बेटे, रिटेंशन अर्निंग पर शेयर या रिटेंशन पर शेयर, अर्निंग नहीं होना चाहिए इसमें, रिटेंशन पर शेयर ईपीएस माइनस डीपीएस, और बेटे लास्ट रेशो लिख रहे हैं खत्म, और बेटे उस रेशो का नाम है प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। तो बेटा फॉर्मूला क्या है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशियो एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस मान लेते हैं 100 रुपए का है और ईपीएस 10 है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो 10 टाइम्स है, तो एमपीएस इज इक्वल टू 10 इंटू ईपीएस। तो बेटे यहां तक अगर आप लिख लें तो आराम से शांति से बैठ जाएं, अभी हम आगे चलेंगे, लेकिन यहां तक पहले कंप्लीट कर ले बेटे। 4 कंसेप्ट लिखवा दिए मैंने आपको, कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स आर देयर, ये सारी बातें मैंने आपको दोस्तों अभी तक बताई हैं, और 25 कंपनीज या जो कंपनीज मैक्सिमम डिविडेंड पे कर रही हैं उसके बारे में बताया है, हाउ मेनी कंपनीज दे आर पेइंग डिविडेंड। रेशियोज की बातें की मैंने, ईपीएस एमपीएस वगैरह की, तो मैं चाहता हूं कि अभी 2-3 बातें और लिख लें जिससे कि हम आगे थोड़ा सा चल पाएंगे। तो बेटे आइए एक बार बेटा मैं देख लूं, है ही नहीं उसमें, मैं गलती से शायद आगे 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 पीछे हो गया, कोई नहीं दोबारा खोल ले दो बेटे।
बेटे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज बताई और ये बताने की कोशिश की कि डिविडेंड पॉलिसी में कौन कौन सी कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, डिविडेंड देने से आउटफ्लो बढ़ता है, इनफ्लो कम होती है, रिटेंशन रेशो क्या होती है, मार्केट टेस्ट रेशोस क्या होती हैं, और फिर मैंने आपको कंसेप्ट वन बताया, कंसेप्ट टू बताया, कंसेप्ट वन की एंट्रीज बताई, और फिर मैंने बताया डिविडेंड और फाइनेंस मैनेजर कैसे आपस में रिलेट करते हैं। कंसेप्ट थ्री, 1 लाख रुपए का जो फंड है आपके पास, जो 1 लाख रुपए हैं आप उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये केस स्टडी की मैंने। इसके बाद मैंने कंसेप्ट नंबर फोर, बेटे इसके बाद मैंने कंसेप्ट नंबर फोर मार्केट टेस्ट रेशियोज के बारे में बताया। मार्केट टेस्ट रेशियोज के बारे में बताया, ईपीएस क्या होता है, टोटल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस कितने प्रकार की होती है, फॉलोइंग इज द फॉर्मेट फॉर शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट्स फॉर शेयर होल्डर्स, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। डेटा डिविडेंड पर शेयर की बात की, एमपीएस की बात की, टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है जी। डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग यील्ड, और फिर मैंने अलग अलग रेशियोज के बारे में आपको बताया। बेटे मैं चाहता हूं कंसेप्ट नंबर फाइव पहले आप लिख ले, और फिर आज हम एक नई चीज करेंगे, बुक वैल्यू पर शेयर। ये आप लिख ले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, BVPS, बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बेटे बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब फंड में क्या क्या आता है बेटे, शेयर कैपिटल भी आती है, रिजर्व्स भी आते हैं बेटे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स आते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है जी। लिख लिया जी कंसेप्ट फाइव, कंसेप्ट सिक्स, बस बेटे खाली लिख लें, मैं भी समझाऊंगा रिलेशन बिटवीन ईपीएस, आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, अर्निंग्स एंड बुक वैल्यू पर शेयर, एंड बुक वैल्यू पर शेयर। बेटा वो नीचे वाली लाइन भले छोड़ दें, ईपीएस इज इक्वल टू बुक वैल्यू पर शेयर इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। ईपीएस इज इक्वल टू, ईपीएस इज इक्वल टू बुक वैल्यू पर शेयर इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। ईपीएस इज इक्वल टू बुक वैल्यू पर शेयर इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर सेवेंथ, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। बेटे डिविडेंड दो तरह के होते हैं, वैसे हम बीच में भी दे सकते हैं, साल के आखिरी में भी दे सकते हैं। एनुअल डिविडेंड दो तरह के हो गए, प्रपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। बेटे अभी तक तो बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 1 सवा घंटा होने को आ गया बेटे, मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं कराया। एक बच्चे ने तो मुंह ही सुझा लिया कि ये मास्टर कुछ कराता वराता नहीं है। बेटे जितने प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा और कोई नहीं कराएगा, जितने कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा और कोई नहीं बताएगा, जितने थ्योरी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और कोई नहीं बताएगा। तो बेटे आराम से, कॉन्सेप्ट नंबर सेवन, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, दो तरह के डिविडेंड होते हैं। व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट, ऑलवेज अज्यूम एनुअल डिविडेंड, ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर एट, वैसे ये कंसेप्ट एट आपको पता है, फिर भी बताने जा रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम प्रेफरेंस देते हैं डिविडेंड देने के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स को हम प्रेफरेंस देते हैं डिविडेंड देने के लिए, तो ठीक है जी। लिखिए डिविडेंड मस्ट बी फर्स्टली पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिविडेंड मस्ट बी फर्स्टली पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स,
बिफोर एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, ठीक है सर, ए पॉइंट लिख लिया। बस बेटे अभी जो बातें मैंने बतानी है पहले सुन लें, फिर मैं आगे चलूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स क्या करें, बेटे बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सभी को कि आप डिविडेंड डिसीजन का टॉपिक कर रहे हैं इस समय, और बेटे सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है इस समय। अभी तक हमने डिविडेंड के बारे में बहुत कुछ सीखा कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसीज क्या होती हैं, डिसीजंस क्या होती हैं, ये सारी बातें हमने सीखी डिविडेंड के बारे में, और डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है बेटे ये भी सीखी। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि ऐसी कौन सी बातें हैं, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी ऑफ एन कॉर्पोरेट एंटिटी, What are the factors affecting dividend policy of an corporate entity? बेटे factors देख रहे हैं, ऐसे कौन से factors हैं जो dividend policy को affect करते हैं। जैसे आपने 12th class के बाद, बेटे CA join किया, कुछ बच्चों ने, आपके दोस्तों ने, आपने CS join कर लिया और आपके कुछ दोस्तों ने सीएम में ज्वाइन कर लिया। मान लेते हैं तीन ही कोर्स हैं बेटे, मैं अगर आपसे पूछूं कि सीएस क्यों ज्वाइन किया, आप में से एक बच्चा कहेगा जी मेरे दोस्त जा रहे थे इसलिए मैं भी उनके साथ चला गया, वो सीएस कर रहे थे इसलिए मैंने भी सीएस कर लिया। हो सकता है बेटा, ये भी बात हो सकती है। लेकिन एक बच्चे ने कहा सर कि हमने इसका काउंसलिंग सेशन अटेंड किया था, इसमें थ्योरी ज्यादा है, लॉ ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, और हमारा प्रैक्टिकल में हाथ टाइट है इसलिए हमने ये किया। हो सकता है बेटे, मैं देखिए मजाक कर रहा हूं, आप प्लीज फील मत कीजिएगा। कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ बच्चों ने ये सोचा कि उनके माता पिता या उनके भाई बहन या आपके बड़े ब्रदर सिस्टर या आपके दोस्त, आपने उनको देखा कि वो कंपनी सेक्रेटरी हैं और लाइफ में अच्छी जगह सेटअप है, नेम है, फेम है, सब कुछ है, तो बेटे उस केस में सीएस ज्वाइन कर लिया। कहने का मतलब एक है कि आप इस दुनिया में जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर जरूर होते हैं बेटे, डिविडेंड के या किसी भी चीज को करने के फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह से मैं आपको ये कहने जा रहा हूं, देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट डिविडेंड पॉलिसी of an corporate entity। बेटे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, तो आज हम सबसे पहले बेटे थ्योरी में उन फैक्टर्स को देखेंगे, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, और फिर आगे चलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी एक बार थ्योरी की किताब को खोल लें, थ्योरी का पेज खोल लें, बेटे वो फाइल मेरे से बंद हो गई थी गलती से। ये देखिए मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन है बेटे, पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ पॉलिसी ऑफ अ फर्म। तो बेटे पहले क्वेश्चन को हाईलाइट कर लें, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, सबसे प्रीशियस क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं।
What are the factors affecting dividend decision policy of a firm? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट कर देते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं? जैसे अभी अभी आपने सीखा कि 12th क्लास के बाद हम सीए करें, सीएस करें, सीएमए करें, इस पे अलग अलग फैक्टर्स हैं। इसी तरह से मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन में मैंने इन्हीं बातों को लिखा है। आप बताइए, मैंने नीचे कुछ फैक्टर मेंशन किए हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। बेटे एक्सटर्नल, बेटे कुछ एक्सटर्नल होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा एक्सटर्नल फैक्टर्स में जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, कैपिटल मार्केट की स्टेट, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, टैक्स पॉलिसी। जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, बेटे इकोनॉमी कैसी है भी देखेंगे, बेटे डिस्कस करेंगे। पहले मैं बेटे इंटरनल फैक्टर्स बताना चाह रहा हूं, लिक्विडिटी पोजीशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। इस तरह से मैंने अलग अलग आपके सामने कंसेप्ट लिखे हैं, फैक्टर्स लिखे हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक कंपनी को